इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो बिहार में राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन इसमें लिया जा रहा है तो डॉक्यूमेंट का पूर्ण रूप से आपको क्या रिक्वायर है, एक आवेदन करने में कौन कौन से कागजात लगेगा, कितने मेंबर का क्या कागजात लगेगा, सारा जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। और आपसे यही विनती करूंगा कि वीडियो जो कि है फुल देखिएगा, क्योंकि एक बार आवेदन करने में किसी भी तरीका का आप गलती कर देते हैं तो पूरे जिंदगी भर उस आदमी के नाम से कभी भी राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं होगा, इस बात को जरूर आप ख्याल रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जितना भी डॉक्यूमेंट का आपको इसमें बताया गया है, लेकिन यहाँ पे सब जगह पर बात फंस कर चला जा रहा है आवासीय प्रमाण पत्र पर। कहने के लिए सब लोग ये कह रहे हैं कि आपको जिस प्रकार आप दे देते हैं कि आप आधार कार्ड का जीरोक्स लगा देने से आपका आवासीय का प्रमाण हो जाएगा। हम भी जानते हैं प्रमाण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जिस मर्जी से आवेदन करें, आपको साइबर कैफे का सजेशन से मर्जी से करें या खुद से अपना डाटा बनवा कर करें, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार जिस प्रकार से वो लिखा हुआ है उसमें सभी लोगों का आवासीय प्रमाण पत्र बिल्कुल अनिवार्य है। लेकिन जैसे आप आवासीय का बात करते हैं अपने शॉप पर सभी लोगों का, तो एक भी आदमी जो कि दुकान पर नहीं टिकता है और डायरेक्ट जिस प्रकार से आता पता लगा कर दूसरे दुकान पर जाता है और वो बोलता है लाइए हम आवेदन कर देते हैं बिना आवासीय का, हम आपको आवेदन कर देंगे। करने के लिए दोस्तों जो कि सादा पेज आपको दिख रहा है ना, इस सादे पेज पर भी आपका आवेदन हो जाएगा, लेकिन जिस दिन इसका वेरिफिकेशन शुरू होगा उस दिन आपका आवेदन जो कि होगा जिस प्रकार से हो, मैं रद्द तो नहीं कह सकता और रिजेक्ट तो यहाँ पे नहीं कह सकता, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार थोड़ा बहुत आपको गलती करार इसमें हो सकता है। लेकिन यहाँ तक वो अधिकारी के ऊपर निर्भर करता है कि आपका आवेदन किस प्रकार एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। लेकिन जो बात इसमें लिखा गया है मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको नहीं मर्जी है उसमें आपको लगाने के लिए आवासीय प्रमाण पत्र सभी मेंबर का तो मत लगाइए, लेकिन धैर्य से आवेदन करिए, आप गलती आवेदन मत करिए। मेरा जितना एक्सपीरियंस था इस आवेदन के प्रति सारे मैंने आपको जानकारी दे दिया है, क्योंकि इस प्रकार का बात जो कि अगर एक बार आवेदन आपका रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि NIC के तरफ से ये फर्स्ट बार जो कि बिहार सरकार के द्वारा ऑनलाइन आवेदन इसमें लिया जा रहा है, और ऑनलाइन का वही सिस्टम होता है, अगर एक बार डाटा अपने उस आधार के थ्रू और नाम के थ्रू उसमें फैच करा दिया तो उस आदमी के नाम से पूरे जिंदगी भर आवेदन नहीं होगा राशन कार्ड के लिए। अगर गलती आप कर दिए तो आपका रिजेक्शन जो कि 100% है। लेकिन जहां तक बात है जिस प्रकार जब एक बार आवेदन इसमें लिया जा रहा है, हो सकता है कि अपडेशन भी सरकार उसमें उस लिंक पर जारी कर दे, लेकिन गलत तरीका से आप आवेदन करिएगा तो हो सकता है कि आपका आवेदन यहाँ पे रिजेक्ट है। अगर एक झाड़ जो कि आवेदन बिना आवासीय प्रमाण पत्र का सरकार के पास चला जाता है और वेरिफिकेशन करने में उसको प्रॉब्लम होता है तो फिर से आपको अपडेशन का भी लिंक सरकार उसमें डालेगी NIC के थ्रू कि आप जो कि डॉक्यूमेंट को फिर से अपलोड करिए। लेकिन आप टूटी फूटी कोई इसमें आवासीय लगा रहा है तो कोई बिना आवासीय का कर रहा है, हर एक मेंबर का नहीं लगा रहा है, कोई यहाँ पे साइबर कैफे वाले बोलता है लाइए ना बिना हम आय का कर देंगे, बिना जाति का कर देंगे, तो साइबर कैफे वाला तो खुद ब खुद कर देगा, लेकिन कहाँ तक जब वेरिफिकेशन होगा आवेदन आपका सही होगा वो नहीं साइबर कैफे वाला आपको बता सकते हैं सही तरीका से, और नहीं आप खुद से निकाल सकते हैं। लेकिन निकालने का भी तरीका मैंने मोबाइल से आवेदन करने तक भी मैंने आपको बता दिया है, वो आप पर निर्भर करता है किस प्रकार अपना जो कि डाटा को चेक कर सकते हैं कि मेरा आवेदन सही हुआ है कि गलत हुआ है, इसमें कौन कौन से कागजात आपको इसमें लगाया गया है। लेकिन फिर से आपको रिक्वेस्ट करते हैं कैसे भी आवेदन करिए, बिना आवासीय का भी करिए, हमको उसे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, मेरा जितना एक्सपीरियंस था मैंने आपको बता दिया, हो सकता है कि आपके नज़र में गलत साबित हो सकता हूँ, लेकिन जो भी करिए आप बिल्कुल सही आवेदन करिए, क्योंकि दोबारा जो किए उस आदमी के नाम से आवेदन यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे आप ऑफलाइन के माध्यम से कभी भी आवेदन किया होगा ब्लॉक स्तर से तो यहाँ पे आपको सभी मेंबर का आवासीय आपको नहीं लगता था, लेकिन जो ऑनलाइन के माध्यम में जो बात इसमें लिखा गया है वो मैंने आपको बता दिया है, वो आपके NIC की तरफ से गलत लिखा गया है, ये आपको समझिए जिस प्रकार से आप जो कि आवेदन इसमें कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे गलत नहीं आवेदन करना है, अगर गलत हो जाता है पूरे जिंदगी भर कभी भी आप उस नाम से ऑनलाइन आवेदन आप नहीं कर सकते हैं। और अभी भी वीडियो संबंधी किसी भी तरीका का अगर प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।